हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टॉय स्टैक। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक रेंजर स्कूटी की। ये बेबी पा ब्रांड की है और जिसका आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम इसको अनबॉक्स। अनबॉक्सिंग में देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है और कौन से कलर का है ये। इस पर सेफ्टी फीचर का पूरा ध्यान दिया गया है। इस पर बॉक्स पर आप देख सकते हैं, इस पे जो सेफ्टी फीचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो आप ज़रूर रीड कीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं और बच्चों की सेफ्टी में बहुत काम आने वाली वो चीज़ है, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और ये एक हैवी प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कितना काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हमें। इसको हम रेड कलर में काफ़ी खूबसूरत ब्रांडिंग के साथ है ये प्रोडक्ट। और आप ये जैसे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे इसमें एक लॉक होता है, यहाँ से आप इसको लॉक को ओपन कर सकते हैं इस तरह से इसको खोल के, और ये यहाँ से ओपन हो जाती है इस तरह से। अब जो ये लॉक है यहाँ पे फिट हो जाना चाहिए, ये देखिए। इसके बाद आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये ज़रूर आप ध्यान कर देखिएगा कि बच्चों को राइड करने से पहले इसके प्रॉपर नट आप टाइट कर चुके हों, तभी इसको चलाने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ इसमें कभी चोट लग सकती है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो इसका आगे का टायर है काफ़ी मज़बूत है और ये एक फिट आया है प्रॉपर। आप जैसे देख रहे हैं ये प्रॉपर फिटिंग में आया है। और इसका फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने ये स्कूटी आपने इसके जो टायर की क्वालिटी देखी काफ़ी अच्छी है, और जो इसका जो ये मटेरियल बना हुआ है वो भी काफ़ी अच्छी शीट, लोहे की शीट के साथ बना हुआ है और हैवी मटेरियल में बना हुआ है। तो अब इसके हम हैंडल इंस्टॉल करने वाले हैं। हैंडल इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक लॉक रहता है, इस लॉक को आप प्रेस करके इस तरह से अब मैं इधर वाला लॉक आपको लगा देता हूँ इसमें। ये देखिए ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इसके हैंडल प्रॉपर हर लग चुके हैं। और हाँ, बच्चा की हाइट ज़्यादा है या कम है, हम यहाँ से हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप इस लॉक को प्रॉपर यहाँ से खोल के, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले जा सकते हैं और थोड़ा सा नीचे भी ले जा सकते हैं। मैं कैमरे की पोजिशन की वजह से इसकी हाइट नीचे रखने वाला हूँ अभी यहाँ पर, ताकि आपको प्रॉपर ये वीडियो दिखाई दे। अब इसको इस तरह से आप लॉक करके, और इसको इस तरह से लॉक करना होता है, प्रेस कर दीजिएगा। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब ये देखिए इस तरह से बच्चा यूज़ कर सकता है। आप बिल्कुल श्योर हो जाइएगा जब भी बच्चा इसको राइड करने से पहले इसके जो नट बोल्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर चेक कर लीजिए कि वो टाइट हों, ताकि बच्चों को कोई भी चोट ना लगे, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसको हम राइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके पीछे जो एक फ़ीचर होता है वो ये होता है इसके ब्रेक का। अब हम बात करते हैं इसके ब्रेक की। जैसे बच्चा एक पैर से इसको राइड कर रहा होता है तो यहाँ पे ये ब्रेक सिस्टम है, जैसे इसको दबाएंगे तो ये ब्रेक लग जाएगा। ये फीचर इसका बहुत अच्छा है, आजकल हर स्कूटी में आ रहा है, लेकिन ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। अब हम इसकी वेट की बात करते हैं और इसकी क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी चेकअप में हमें जो पीस लगा ये काफ़ी अच्छा है, एक हाथ से उठाना मुझे इसको मुश्किल लग रहा है, काफ़ी हैवी पीस है। और आप देख सकते हैं इसको इंस्टॉलेशन करना काफ़ी आसान है। इसकी फ्रेंड्स जैसे देख रहे हैं कि इसके जो बैक साइड में है एक लोहे की रोड है और पाइप लगी हुई है जिसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। ये काफ़ी हैवी मटेरियल में दी गई है, इस वजह से ये काफ़ी हैवी हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसकी जो चलाने में बच्चों खूब इंजॉय करेंगे और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी देर तक बनी रहेगी। इससे पहले कि आप इसको परचेज़ करने का मन बनाएँ तो इसका बाय लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको बाय भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो थी हमारी बेबी पा स्कूटी के, ये रेंजर स्कूटी है, काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट था जिसका आज हमने रिव्यू किया। ऐसी इन्फॉर्मेशनल टॉयज़ की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, नए नए वीडियोस हम लेके आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए टॉयज़ टेक पे। जय हिंद, बाय बाय।